हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं अरबी के पत्ते से बहुत ही हेल्दी टेस्टी नाश्ता, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए दोस्तों। तो इसके लिए हमको हरा भरा पत्ता चाहिए, जो कि बहुत ही आसानी से मिल जाती है, मार्केट में भी मिल जाती है और गांव में भी बहुत ही आसानी से मिल जाती है। इनको हमने अच्छी तरह से धुल लिया है। अब इनके स्किन के, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं, उनको हमें निकाल लेना है। तो सारे पत्ते के हमने स्किन को निकाल दिया है, देख सकते हैं आप लोग। अब चलते हैं, आगे का काम कर लेते हैं। अब एक बार छोटा सा भगोना बर्तन ले लेंगे, इसमें डालेंगे 2 कप बेसन। तो आपको जितना बनाना आप उतना ले सकते हैं। तो बेसन को हमने पहले से ही छान लिया था दोस्तों। अब चलते हैं इनके मसाले तैयार कर लेते हैं। मसाले में देख सकते हैं, हरी मिर्च है, 2 बड़ा चम्मच जीरा, कुछ लहसुन की कलियां और अपने स्वाद अनुसार नमक। अब इन सभी को पीस लेना है दोस्तों। इस नाश्ते की बहुत बड़ी खासियत है, क्योंकि इसमें ना तेल का इस्तेमाल होने वाला है, ना ही मसाले का। तो इसे डाइट वाले, बिना डाइट वाले दोनों लोग खा सकते हैं और ये बहुत ही हेल्दी नाश्ता है। अब यहीं पर हम 1 चम्मच बड़ा वाले चम्मच से खटाई ले लेंगे। आप इसके जहां अमचूर पाउडर ले सकते हैं। ये जो पत्ते हैं, इनमें थोड़ा गर काटता है, तो खट्टा लेने से ये गर काटना बंद कर देते हैं। तो कलर के लिए हमने यहाँ पर 1 चम्मच हल्दी पाउडर ले लिया है, 1 चम्मच गरम मसाला। गरम मसाले को आप लोग स्किप भी कर सकते हैं दोस्तों। मेरी वीडियो में जो आवाज़ें आ रही हैं, उसे आप लोग प्लीज़ इग्नोर करिएगा, क्योंकि जो मेरा रूम है वो रोड के किनारे पर है। गाड़ियाँ की आवाज़ें हमेशा आती जाती रहती हैं। अब आवाज़ ना आए इसके लिए मैं वीडियो जब एडिटिंग करती हूँ ना, वो जानते हैं कहाँ पर करती हूँ? अलमारी के अंदर अपना मुँह डाल करके करती हूँ, जो कि काफ़ी मेहनत लगती है। तो दोस्तों, मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती, यही सोचकर मेहनत करती रहती हूँ। और जो मेहनत करना चाहता है, उसे किसी चीज़ की बहाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप लोग में से जो भी मेरी वीडियो कोई देख रहा, अगर मेहनत करना चाह रहा, तो मेहनत करिए और आगे बढ़िए। तो दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को सपोर्ट करिए। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, जो मेहनत करे उसका सपोर्ट तो करना चाहिए। बस आप लोगों से यही विनती है। बेसन में थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हमें एक बैटर सा तैयार कर लेना है। तो देखिए, मेरा बैटर बनके तैयार हो चुका है। तो इसी तरह से चाहिए, ना हमें ज़्यादा पतला रखना ना ज़्यादा थिक। और जिस तरह से हम इसे फेंट रहे हैं, इस तरह फेंटिएगा तो काफ़ी अच्छे बनते हैं। अब चलते हैं, आगे का काम कर लेते हैं। अब एक बड़ी सी थाली ले लेंगे, आप कोई भी परात ले सकते हैं। और एक पत्ते को लेना और उसे किनारे की तरफ हमें कट कर देना है, जो कि ऐसे करने से जब इसको हम मोड़ते हैं तो बहुत ही आसानी से मुड़ जाते हैं। अगर आप लोग इनको कट नहीं करेंगे तो ये फट जाते हैं बीच में से। अब इनके ऊपर हमें बेसन के लेप को चढ़ा लेना है, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख पा रहे हैं। तो इसी तरह से हमें 6-7 पत्ते में बेसन को लपेट लेना है। अगर छोटे हो तो आप लोग ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो लगभग पत्ते के ऊपर बेसन अच्छी तरह से लपेट चुके हैं। अब इनको लोढ़े की तरह हमें रोल रोल करके मोड़ लेना है, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख पा रहे हैं। और इनके हर तरफ बेसन लगा करके हमें निकले हुए पत्ते को चिपका लेना है। तो इसी तरह से हमें सारे लोढ़े को बना लेना, आपके पास जितने पत्ते हो। तो यहाँ पर मैंने 3 लोढ़ा बना लिया है, देखिए 2 बड़े हैं 1 छोटे हैं, जितने मेरे पास पत्ते थे। अब चलते हैं गैस के पास। तो भगोने में पानी डाल करके हमने गैस पे इसे रख दिया था, पानी उबलने लगा है। अब इसमें हम ये छेद वाले बर्तन रखेंगे और इसके ऊपर हमें बने हुए लोढ़े को रख देना है एक एक करके। तो बने हुए 3 लोढ़ा को हमने झरने में अच्छी तरह से सेट कर लिया है। अब इनको एक बर्तन से ढक करके कम से कम इसे 6 से 7 मिनट के लिए छोड़ देंगे और इसके ऊपर कुछ वजन वाली चीज़ें रख देंगे, ताकि जो भाप हो निकले ना। पूरे 8 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब इसे चेक करने का क्या सही तरीका है, तो आप कोई टूथपेस्ट सीख लीजिए या एक चाकू लीजिए और इसके अंदर हमें डालना। अगर चाकू साफ निकले यानी अच्छी तरह से पक चुका है, अगर साफ ना निकले तो आप इसे 2-3 मिनट के लिए और पकने के लिए छोड़ दें। अब गैस को बंद कर देंगे, इनको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो ये ठंडे हो चुके हैं, अब इनको करछी की मदद से
एक एक लोढ़े को हमें एक प्लेट में निकाल लेना है। अभी पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। अब एक प्लेट में एक लोढ़े को रखेंगे और चाकू की मदद से इनको पतला पतला कट कर लेंगे। अब इसे आप लोग ऐसे भी मीठी तीखी चटनी के साथ खा सकते हैं। बहुत लोग इसे फ्राई करके खाते हैं, तो मैं फ्राई करके भी दिखा दे रही हूँ आप लोगों को। मुझे तो दोस्तों ये सादे खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। और आप लोग कमेंट बताना कि आप लोगों को इसे किस प्रकार खाना पसंद है, फ्राई करके या सादा। दोस्तों इसे आप लोग नाश्ते में खाइए, शाम में खाइए, चाय के साथ पीजिए, बहुत अच्छे लगते हैं, काफ़ी कुरकुरे बनते हैं। इसे बहुत जगह दोस्तों रिक्वज बोलते हैं, तो आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोगों के यहाँ इसे किस नामों से जाना जाता है और आप लोग कहाँ से बोल रहे हैं, आप लोग ये भी बताइएगा हमें। और मेरी वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो ये देखिए अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं और आप लोगों को प्लेटिंग करके दिखाते हैं। तो आप लोगों में से किस किस को खाना है, ये बन के तैयार हो चुका है, आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइए हमें। और मेरी वीडियो आप लोग कैसे लगी आप लोग ये भी कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।